न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के अंदर हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को स्टेबल या अनस्टेबल के लिए हम हर एलिमेंट के लिए प्लॉटिंग करते हैं। क्या प्लॉटिंग करते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को प्लॉट करते हैं। तो आप अगर ये लाइन सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन ये शो कर रही है कि एन इज इक्वल टू जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर हैं, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की रेशियो यहाँ पर 1 है, राइट। और हम हर एलिमेंट को लेते हैं, उसका न्यूक्लियस लेते हैं, उसका एन और जेड कैलकुलेट करते हैं, प्लॉट करते हैं। मान लो एक प्लॉट यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा एलिमेंट लिया, उसका एन और जेड प्लॉट किया यहाँ पे, तो ये प्लॉटिंग है। तो तुम देखोगे सारे पीरियोडिक टेबल को प्लॉट किया और वो ऐसा आया। तुम मेरे पास एक एलिमेंट लेके आए, सर बताना ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, तो मैंने कुछ नहीं पूछना, मैंने एन और जेड पूछना है, और मैंने एन और जेड देख के मैंने क्या करना है, उनकी प्लॉटिंग कर लेनी है। तो मैंने वो प्लॉट किया और मैंने देखा यहाँ पे आ गया। तो अगर इस रेंज से बहुत दूर जा रहा है मेरा प्लॉट एन और जेड का, देखने की जरूरत नहीं, पक्का अनस्टेबल है। और अगर बहुत नीचे आ रहा है एन और जेड की वैल्यू प्लॉट करने पे, तो अनस्टेबल है। तो इस रेंज में स्टेबिलिटी है, इधर अनस्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर जाने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गए, और आपके न्यूक्लियस में जब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस उसे संभाल नहीं पाएगा। अब मेरी क्लास में बच्चे अगर ज्यादा हो जाएंगे तो संभालूंगा कैसे, तो इसका मतलब अनस्टेबल हो जाएगी क्लास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो भी अनस्टेबल, और इधर जाने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो भी अनस्टेबल। तो इनकी रेशियो ना बैलेंस होनी चाहिए, इस रेंज में होनी चाहिए तो स्टेबल है, अदरवाइज ये अनस्टेबल हो सकते हैं, तो इनको तोड़ना बहुत आसान हो सकता है। तो ये ग्राफ आपको हेल्प करता है देखने में कि ग्राफिकली एन और जेड की वैल्यू बता देती है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है।